कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक प्रदेश में झूठ की दुकान सजाने में जुटी है। जो हालत हिमाचल की गारंटियों की हुई, उससे भी ज्यादा बुरी हालत कर्नाटक की गारंटियों की है। और इतनी हालत खराब होने के बाद अब उस दुकान को उठा करके हरियाणा में सजा दिया गया। कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक प्रदेश में झूठ की दुकान सजाने में जुटी हुई है, हिमाचल प्रदेश में। और झूठ का एक बहुत बड़ा बवंडर पैदा किया, झूठी गारंटियां दे करके सरकार बनाई, और वो ही झूठी गारंटियां यहां से उठाई और कर्नाटक में जाकर रख दी। और जो हालत हिमाचल की गारंटियों की हुई, उससे भी ज्यादा बुरी हालत कर्नाटक की गारंटियों की हुई है। और इतनी हालत खराब होने के बाद अब उस दुकान को उठा करके हरियाणा में सजा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में गारंटियों के कारण हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर इन गारंटियों के चलते विकास कार्य बंद हो गया। इन गारंटियों के चलते लोगों की तनख्वाह, लोगों के डीए, लोगों के मेडिकल बिल देने बंद हो गए। परंतु वो जो गारंटियों का यहां से उठाया हुआ टोकरा है, वो अब हरियाणा में सजा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते करते बिजली के दामों में इजाफा कर दिया। 125 यूनिट जो फ्री मिल रही थी, वो फ्री देना बंद कर दिया। हर तरह से रेट बढ़ा दिए, बिजली की सप्लाई बंद हो गई। अब हरियाणा में बोल रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हिमाचल प्रदेश में 28 लाख बहनों को 1500 रुपए देने का वायदा किया, गारंटी की, वोट लिए पार्लियामेंट में, फिर वोट लिए, झूठ की दुकान यहां से उठाई, अब हरियाणा में सजा दी, 2000 रुपए की गारंटी कर दी। ये गारंटियों के, झूठी गारंटियों के आधार पर पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, वास्तु स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी को ना देश की चिंता है ना प्रदेश की चिंता। यहां जिस तरह से और वोट लेने के लिए होड़ लगी है, प्रदेश जाए भाड़ में, वोट मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, सरकार बननी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, और इनको पता है एक बार बन जाएगी दोबारा तो बनेगी नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो काम के नाम पर वोट मांगती है, और कांग्रेस पार्टी झूठी गारंटियां दिखाकर एक बार फिर हरियाणा के अंदर लूट का मसौदा तैयार कर रही है। हरियाणा को भी सजग होना है और हिमाचल को भी सजग होना है, ये जरूरी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।